मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी भी बारकोड लेसन्स की डिमांड उतनी ही रहती है। तो हमेशा लगता है कि यार एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं तो फिर अब नया क्या किया जाए। तो इसलिए आज के बारकोड लेसन में हम लोग यूज़ करेंगे एक सॉन्ग का, और वो सॉन्ग भी कोई नॉर्मल सॉन्ग नहीं, एक कल्ट गिटार कम्युनिटी सॉन्ग है, दैट इज़ आदत। तो हम देखेंगे कि आदत की प्रैक्टिस करते हुए किस तरीके से आप अपने बारकोड बेहतर कर सकते हैं। दिस इज फ्रंट रो, माई नेम इज़ अक्षय, लेट्स स्टार्ट लर्न। सबसे पहले कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपको बारकोड लगाने के लिए क्लियर होने चाहिए वो हम रिपीट करते हैं, देन वी विल मूव टू द सॉन्ग। तो पहली चीज़ ये है कि बारकोड एक ऐसा कॉर्ड है जिसमें आपका थंब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए आपका थंब और इंडेक्स फिंगर का जो जॉइंट है, मतलब जो एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहली प्रैक्टिस ये करनी है कि बारकोड की जो प्लेसमेंट है वो शुरू के फ्रेट्स में ना करते हुए आप यहाँ के फ्रेट्स में ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका जो फ्रेट साइज है वो बड़ा है तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, तो वो हम अवॉइड करना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके गिटार का एक्शन सही नहीं है तो हो सकता है यहाँ एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिले कि आपका गिटार का एक्शन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ गिटार एक्शन कम होता है। इसलिए मेक श्योर कि आपका गिटार एक्शन नॉर्मल होना चाहिए, और इसलिए हमने आज आदत को चुना है, क्योंकि जो 3 कॉर्ड्स हम लोग आदत के लिए प्ले करेंगे, फर्स्ट कॉर्ड इज़ गोइंग टू बी ए 5 स्ट्रिंग बार कॉर्ड जो 5 स्ट्रिंग पे बार लगता है, उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सी शार्प माइनर कॉर्ड। तो इस तरीके से आपका बार जो होगा वो होगा 4th फ्रेट और 5 स्ट्रिंग पे होगा, ठीक है। और फिर आपका मिडिल फिंगर आएगा यहाँ जो कि है 2nd स्ट्रिंग, 5th फ्रेट, देन योर लिटिल फिंगर ऑन 3rd स्ट्रिंग, 6th फ्रेट, एंड देन योर रिंग फिंगर अगेन ऑन 4th स्ट्रिंग, 6th फ्रेट। तो ये हुआ हमारा सी शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है। इसमें आपको 6th स्ट्रिंग म्यूट रखना है, तो उसके लिए आई एम यूजिंग माई इंडेक्स फिंगर ओनली। दूसरा कॉर्ड होने वाला है ए मेजर कॉर्ड। तो ए मेजर कॉर्ड आपका एफ मेजर वाली शेप ही है, उसको हमने बार कॉर्ड, बार को जो लगाना है वो लगेगा 5वें फ्रेट पे, और बाकी के जो 3 फिंगर्स हैं वो ई मेजर वाली शेप लेंगे यहाँ 7वें फ्रेट और 6वें फ्रेट पे। तो इस तरीके से प्ले होगा ए मेजर कॉर्ड, और इसी शेप को 2 स्टेप अगर आगे कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी मेजर कॉर्ड। अब इस गाने में अच्छी बात यह है कि बार बार एक ही रिपीटेटिव प्रोग्रेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो पहली प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि ए मेजर, देन लीव इट बी मेजर, देन लीव इट, देन कम अगेन ए मेजर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको पहला कॉर्ड लगाना है, देन यू विल स्लाइड योर पोजिशन टू 1 होल स्टेप, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी मेजर एंड देन बैक अगेन। अगर आपको नहीं पता है होल स्टेप हाफ स्टेप क्या होते हैं, तो रिसेंटली हम लोगों का एक नया बिगिनर ओरिएंटेड गिटार कोर्स आया है जिसमें हम लोगों ने शुरू से लेकर और पहले 3-4 महीने की जो जर्नी होती है ना आपकी इंटरमीडिएट तक पहुंचने की, तो उसमें जो जो बेसिक नीडेड होते हैं वो सारे इस कोर्स में हम लोगों ने कवर किए हैं। आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपना कोर्स स्टार्ट कीजिए। तो ये 3 कॉर्ड्स आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, पहले डिफरेंट अलग अलग तरीके से जैसा आपको सूट करता है, एंड देन वी विल ट्राई टू प्लेस इट इन द सॉन्ग जो हम अभी बात करने वाले हैं। और जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो रहेगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। चलिए अब गाने पे चलते हैं। अब अगर गाने के फ्लो की बात की जाए, गाने में कॉर्ड सीक्वेंस की बात की जाए, तो द फ्लो ऑफ द सॉन्ग इज सी शार्प माइनर, बी मेजर, then A major, and then B major again. I'm doing the same strumming, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down, down, up, down, up, down, up, down, up, down. बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि सर ये जो ये वाली आवाज़ आती है ये नेचुरल ये सब क्या, ठीक है। तो एक बार गा के देखते हैं। मैंने दोनों लिरिक्स जो जल बैंड है और आतिफ असलम मिक्स करने की कोशिश की है, लेट्स सी क्या मुंह पे आता है। माना बिखरा हूं मैं अभी, मैंने ख्वाब पे रोए थे, तेरी सांसों में गुम हूं अभी, मेरी चाहत अधूरी है, दूर जितना तेरे में हो, अब तो आदत सी
वाला फ्लो जो है कंटिन्यू होगा। अब इसमें एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो हल्का सा पंप भी दे सकते हैं, इस तरीके से साउंड करेगा वो। सो व्हाट वी डिड, जो डाउन पहला डाउन है उसके बाद, और जो फर्स्ट सेक्शन का लास्ट डाउन है, लाइक डाउन स्पेस अप डाउन है ना, तो जो अप डाउन ग्रुप है उसका लास्ट डाउन पे मैं प्रेस कर रहा हूँ अगेन लूज छोड़ने के बाद। पंपिंग इज यू नो काइंड ऑफ स्क्वीजिंग, कि आप कॉर्ड को स्क्वीज करते हैं, ठीक है। फिर से देखेंगे, पंपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पंपिंग जब आप बार बार करते हैं तो आपका बार कॉर्ड और ज़्यादा प्रिसाइज होगा क्लैरिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको उसको बार बार स्क्वीज करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि इससे मसल मेमोरी और स्ट्रांग बनेगी। लेकिन हर गाने में पंपिंग नहीं डालनी होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमने कोशिश की है कि जो बेसिक्स ऑलरेडी आप जानते हैं उन्हीं बेसिक्स को किस तरीके से किसी गाने पर अप्लाई करते हैं वो इस लेसन के थ्रू हम आप तक पहुंचा सकें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर दीजिए इस वीडियो पर, और नीचे कमेंट करके भी बताइए कि कौन से ऐसे और पॉइंट है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ डिमांड्स आ रही हैं कि इंटरमीडिएट लेवल के वीडियोज़ भी चाहिए, बिगिनर स्टॉक बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो येस, वी आर थिंकिंग अबाउट इट, एंड मेरे अलावा और भी इंस्ट्रक्टर हैं जिनके वीडियोज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को और बने रहना पड़ेगा फ्रंट रो के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, तब तक प्रैक्टिस करना ना भूलिए।